देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बदस्तूर बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि तेल तो जनता का तेल ही निकाल रहा है, वहीं सब्जियों ने भी लोगों का स्वाद बिगाड़ रखा है। जी हाँ, महीने भर के अंदर ही सब्जियां 40% तक महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की थाली भी खाली हो गई है। तो क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से न सिर्फ आम आदमी के लिए सफ़र करना महंगा हो गया है, बल्कि रसोई में चीज़ों का स्वाद भी बिगड़ गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तेल के दाम बढ़ने के कारण माल भाड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महीने भर के अंदर ही सब्जियां 40% तक महंगी हो गई हैं। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में जहां जून के शुरुआती हफ्ते में आलू 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब 25 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर करेला की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए तक हो गई है। 30-40 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह लौकी, भिंडी, बैगन, मटर जैसी दूसरी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम चीज़ों पर पड़ रहा है। खाद्य तेल, साबुन, टूथपेस्ट, किचन का सामान, सब कुछ महंगा हो रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट की लागत करीब 30-35% बढ़ गई है। वहीं माल भाड़े में 20-25% तक बढ़ोतरी हुई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट की लागत में 65% हिस्सा डीजल का होता है, 20-25% हिस्सा मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ईएमआई का होता है। इस तरह डीजल का भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और फिर सभी सामान महंगा होने लगता है। और अब ये महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि खाएं तो क्या खाएं, जाएं तो कहां जाएं। इस स्थिति की वजह से जनता पस्त है और सरकार मस्त है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।